उल्लास का माहौल है, हर्षोल्लास का माहौल है। और मैं एक चौपाई के साथ शुरू करती हूँ। जो आनंद सिंधु सुखराती सीकर ते त्रिलोक सुपासी, जो आनंद राम के चरणों में है कहीं नहीं है वो। और ये आनंद फिर दिखा दीजिए, फिर खबर दिखाती हूँ। अब जैसे जैसे दिन चल रहा है, शोभा देखिए, थोड़ा बढ़ाते जाइएगा, कैमरा पैन करिएगा तो वो आपको चरण दिखाई देंगे, राम के चरण दिखाई देंगे आपको। इनकी जरा तस्वीर दिखाइए, ये सफाई कर्मियों की। मैं तो इनकी भी बड़ी तारीफ करती हूँ। आज अयोध्या स्वच्छ इनकी वजह से दिखाई दे रही है, इनकी तारीफ करनी चाहिए। पीएससी के इन जवानों की तारीफ करनी चाहिए, 12-12 घंटे से यहाँ खड़े हुए हैं। लेकिन इन सबके बीच में आपको बता दें, प्रातः काल में पूजा पाठ की गई। कैसे पूजा पाठ की गई? 114 कलशों से स्नान कराया गया, इस तरीके से पूजा पाठ की गई। अनुष्ठान चला है एक हफ्ते तक। राम लला को हम बिल्कुल वैसे ही लेकर आ रहे हैं जैसे कौशल्या माई ने पूजा की थी, बिल्कुल वैसे ही हम अनुष्ठान कर रहे हैं। देखिए तस्वीर दिखाते चलिएगा। अब लगातार जो जवान है उन्हें अंदर भेजा जा रहा है, जो एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए, इंपॉर्टेंट है, आज बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरी जिस गेट पर मौजूदगी है वो वीवीआईपी गेट है, जितने भी विशेष अतिथि हैं वो यहीं से जाने वाले हैं, इसीलिए इस गेट को और अच्छे से सजाया गया है, बहुत खूबसूरती से तैयार किया गया है। और यहाँ सख्ती भी बहुत ज्यादा है, किसी को भी यहाँ खड़े नहीं होने दिया जा रहा है। जो आम लोग हैं उनको यहाँ से मूव कराया जा रहा है। हालांकि लोग चाहते हैं कि हम देखें, हम सुने, हम समझें कि अयोध्या कैसे बदल रही है। मैं यतेंद्र के पास जाऊंगी, लेकिन एक तस्वीर दिखाइए जरा, कैसे मार्च भी किया जा रहा है लगातार। पुलिस बल देखिए, ये पीएससी के जवान है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। कितनी बड़ी संख्या में देखिए, ऐसे पूरा ये रामपथ है, ये गेट नंबर 11 जो आप देख रहे हैं, आगे बढ़ते चले जाएंगे इसी तरीके से। बहुत सारे जवान, देखिए ये तस्वीर देखिए आप, और सिक्योरिटी के लिहाज से समझिए और कितनी बड़ी तादाद में ये पीएससी के जवान जो है आगे पहुंचाए जा रहे हैं, ताकि ये सब जगह पर डिप्लॉय कर दिए जाएं। गेट नंबर 11, गेट नंबर 3 और सुग्रीव किले वाला गेट। कुछ कलाकार यहाँ आए हैं, देखिए कैसे नाच रहे, गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? मैं रामचंद्र जी का राज नृत्य गा रहा हूँ। चलिए एक बार जयकारे के साथ शुरू कर दीजिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हो जाइए राम राजा सरकार, राम राजा सरकार आ गए शरण में तुम्हारी, राजा सरकार ये रखियो मोरी लाज, रखियो मोरी लाज मैयर की शारदा भवानी, ये रखियो मोरी लाज मैयर की शारदा भवानी। तो क्या कहूँ मैं, देखिए आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से यहाँ सब कुछ किया जा रहा है। कहाँ कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से आए? झांसी। झांसी से आए हैं? अरे तुम बुंदेलखंड वाले हो? जोर से बुंदेलखंड के। जय जय श्री राम। अरे खुश है कि हमारे राजा रामचंद्र जी। तो नेक नाच के दिखाए थे बुंदेलखंड।